में इलेक्शन का दिन आ गया, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहां बड़े बुर्ज उलटेंगे, फैसला आज होगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग शुरू होने में तकरीबन एक घंटे से भी कम वक्त बाकी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्त के वोट डाले जा सकेंगे मुल्क भर में 90,000 पोलिंग स्टेशंस और हसास इंतहाई हसास करार। बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी मैदान में बेकरार हैं। 12,85,00,000 वोटर्स फैसला करने को तैयार। कौमी सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में इंतखाबी दंगल। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 590 नशस्तों के लिए पोलिंग होगी। मुल्क भर से 11,000 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। 9,76,000 पोलिंग अमला तैनात। आम इंतखाबात के लिए 7,00,000 से ज़ायद पुलिस रेंजर्स और फौजी जवान ड्यूटीज और अंजाम दे रहे हैं। शफाफ पोलिंग के लिए मुख्तलिफ शहरों में मॉनिटरिंग सेल्स कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आरोज रात 2 बजे तक नतायज जारी कर देंगे। सजावल और ठट्टा में आम इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। वोटर्स आज अपना वोट कास्ट करेंगे। इंतखाबी अमल बगैर